ओ हो, पवनदीप ने ऐसे भैया ढोलक बजाई कि सब लोग हैरान रह गए। जी हाँ, दमादम मस्त कलदर खुशी के साथ पवनदीप ने जो ढोलक बजाई है उसका प्रोमो निकल के सामने आया है। ये आप जो सैटरडे का एपिसोड रहेगा उसमें आप देख पाएंगे शायद, क्योंकि यहाँ पर दो एपिसोड हैं। एक नेहा कक्कड़ के बर्थडे का एपिसोड है जो बर्थडे स्पेशल रहेगा, उनके गाने उनको डेडिकेट किए जाएंगे, सभी कंटेस्टेंट उनको डेडिकेट करेंगे। और एक एपिसोड है म्यूजिकल गेम नाइट, जी हाँ, जिसमें क्या होगा कि भैया गेम खेले जाएंगे, गेम के आधार पर आपको गाना गाना है। काफ़ी सारे गेम है, जग घूमिया, जग को घुमाते हुए नजर आएंगे, ठीक है, गैस करने होंगे कि भैया कौन सा गाना आज गाने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे गेम खेले जाएंगे, उसके आधार पर पूरे गाने चलेंगे। तो पहला एपिसोड ये रहेगा, दूसरा नेहा के बर्थडे का रहेगा। अब यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊँ तो पवनदीप तब यहाँ पर ढोलक बजाते हैं खुशी के साथ मिलकर, जब खुशी है दमादम मस्त कलंदर ये गाना गाते हैं, और सभी कैप्टन है वो भैया भागकर वहाँ पहुँच जाते हैं, सलमान अली पहुँच जाते हैं और खूब यहाँ पर उनके साथ गाते हैं, बोलते हैं कि ये बेस्ट में से बेस्ट परफॉर्मेंस है इस बार सुपरस्टार सिंगर 3 की। और खुशी आपको पता है बहुत अच्छा गाती है, भले ही उसको उतने वोट ना मिल रहे हों, भले ही वो टॉप 5 से बाहर है, भले ही वो कहीं ना कहीं टॉप 5 में एंटर नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत अच्छा गा रही है। और इसके चलते ही काफ़ी बच्चे बाहर गए हैं कि भैया हम इतना अच्छा गाने के बाद भी हमें वो पोजीशन नहीं मिल रही है, वो रैंक नहीं मिल रहा है जो कि अच्छा नहीं गा रहे हैं उसके बाद उनको मिल रही है। जी हाँ, सभी पेरेंट्स का ये कहना है फिलहाल खुशी है, उसने अच्छा गाया है और दमदार परफॉर्मेंस दी है, बाकी बच्चों ने भी अच्छा गाया है। इसकी अपडेट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, फुल प्रोमो की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पवनदीप ने कमाल किया है, और खास बात यह है इस बार प्रोमो में 3-4 प्रोमो रिलीज हो चुके हैं, सबको दिखा दिया, लेकिन अरुणिता को भैया अभी थोड़ा सीक्रेट रखा गया है, अब वो है नज़र ही नहीं आ रही है, ना ही प्रोमो में दिखाई दे रही है। लेकिन कोशिश ये रहेगी इनकी कि भैया थोड़ा सा बिल्कुल करीब जाकर अरुणिता को हम दिखाएंगे, क्योंकि अरुणिता ने इस बार ड्रेस बड़ी ही शानदार और अच्छी पहन रखी है, ब्लू कलर की, और उसमें वो बड़ी ही प्यारी लग रही है। ऐसे में गाइस आप क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, पवनदीप का जो टैलेंट है वो इस बार भी सुपरस्टार सिंगर 3 में दिखाई दे रहा है, यानी वो हर चीज में आगे रहते हैं तो ढोलक प्ले करते हुए वो दिखाई देंगे।